अस्सलाम वालेकुम। अभी हो चुका है दोपहर का टाइम। आज मैं दोपहर के खाने में बनाने जा रही हूँ चिकन का पुलाव। तो ये जाएंगे इसमें खड़े मसाले, ये ऑनियन, टमाटो और ये तीन चार ही मिर्ची डालेंगे क्योंकि बच्चे भी खाएंगे। और मैंने चिकन को अच्छे से वॉश करके स्ट्रेन करने रख दी है। यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें थोड़े मसाले ऐड करेंगे। और इसमें ऐड कर देंगे ऑनियन। और इसको ब्राउन होने देंगे। ऑनियन ब्राउन हो चुका है, अब इसमें टोमेटो ऐड कर देंगे। और ये चार हरी मिर्ची, इसको भी अच्छे से भून लेंगे। डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अब इसमें ये चिकन ऐड कर देंगे। अच्छे से 5-10 मिनट के लिए भून लेंगे। अभी इसमें ऐड कर देंगे दही। अब इसमें डालेंगे सौंफ और धनिया का पाउडर, दो चम्मच जाएगा। चिकन को पकते पकते 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लेमन जूस। सौंफ, किसी भी सौंफ डाल के ज़रूर ट्राई करना, इसकी बहुत अच्छी स्मेल भी आती है और आपको पुलाव में टेस्ट भी चेंज लगेगा। अभी मैंने इसमें वाटर ऐड कर दी हूँ, अब इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे, फिर इसमें चावल ऐड कर देंगे। पानी में अच्छे से बॉईल आ चुका है, तो अब इसमें ऐड करेंगे ये चावल जो मैंने 10-15 मिनट पहले से भिगो के रखी थी।
इसमें चावल ऐड हो चुका है, अब इसको अच्छे से पकने देंगे। ये राइस 50% कुक हो चुके हैं, 50% और बाकी है कुक होना। बहुत ज़्यादा स्टीम निकल रही है इसकी। ये हो चुका है पुलाव रेडी, अब इसको थोड़ा भगा दे देंगे ऑनियन से। ये हो चुका है हमारा चिकन का पुलाव रेडी, और ये उसके साथ सैलेड और ये जूस। तो अभी हम लोग बैठेंगे खाना खाने। आप भी इसी तरह से पुलाव ट्राई कीजिए, तो आ जाइए आप लोग भी खाना खाने।